हेलो स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार आप सभी लोगों के बीच कंपटीशन का क्वेश्चन मैथ में लेकर के आ रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए और इस तरह के बहुत सारा क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट से रहेगा। जैसे सबसे पहले त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज में कई गो त्रिभुज बन सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर लिए एक त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज में एक ही क्वेश्चन हुआ, एक एक ही गो त्रिभुज हुआ। फिर दूसरा पर चर्चा करते हैं। दूसरा को यहाँ पर बना दिए, इसमें दो गो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर, लेकिन दोनों के जोड़ते हैं तीन गो हो जाता है। तो इसमें तीन गो त्रिभुज दिखाई देगा। तो तीन गो कैसे देगा से आप लोग को बता रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन आई टू, तो दो हो गया। आई पूरे बीच मिला के हटा देते हैं, तो इस पर तीन गो तिरई लगा करके तीन गो त्रिभुज हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बना दिए, तो एक दो तीन, एक दो तीन, अब तीनों के जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाता है छः। तो इसमें छः गो त्रिभुज दिखाई देगा। तो छः गो त्रिभुज कैसे दिखाई देगा से यहाँ पर आप हम बनाते हैं त्रिभुज को, आप लोग देखिएगा ध्यान से कि छः गो त्रिभुज कैसे बनता है। एक दो थ्री, तीनों कैसे बनेगा से देखिए। ये हो गया एक दो तीन, तो तीन गो तक क्लीन हो गया, यानी तीन गो है। अच्छा, छः गो पुराना है। तो सबसे पहले वन आई टू को हटा देंगे, लाइनिंग को हटा दिए, तो तीन गो आए गो, ये हो गया चार गो। अब उसके बाद अब इसको पूरे का हटा देंगे तो एगो ये हो जाएगा, पांच गो हो गया, और एगो ये पूरा है करे, तो छः गो यहाँ पर हो गया। अब चौथा नंबर त्रिभुज में चलेंगे। चौथा नंबर त्रिभुज यहाँ पर हम बना रहे हैं। वन टू थ्री फोर, यहाँ पर वन जोड़ के चिन्ह, टू जोड़ के चिन्ह, थ्री जोड़ के चिन्ह, फोर। अब जोड़ेंगे तो चार और तीन, चार और तीन सात, सात और दो नौ, एक दस। यहाँ पर दस गो त्रिभुज बनेगा। ये दस गो कैसे बनेगा उसको अब देखना है। दस गो त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज में दस गो त्रिभुज कैसे बन रहा है उसको देखना है। वन टू थ्री फोर, इसमें चार गो हो गया, इसको हटा दिया जाए पाँच हो जाएगा। अब इसको हटा देंगे छः गो हो जाएगा, और इसको हटा देंगे सात हो जाएगा। तो उस सात गो हो गया, तो उसके बाद ये पूरा बच जाएगा, तो आठ हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको हटाएंगे आठ गो, तो ये हो गया आठ गो, आठ गो हो गया। और उसके बाद ये नौ गो, इसको हटा देंगे तो हो गया पूरा दस गो। इस प्रकार से दस गो हो गया। अब पंचमा नंबर में चलेंगे। चतुर्भुज में कई गो त्रिभुज बनता है? फर्स्ट सेकेंड, इनमें दो गो त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो यहाँ दो लिख दिए। छठा नंबर में चलेंगे। छठा नंबर में कई गो त्रिभुज होगा? इसमें वन टू थ्री फोर, ऐसे देखने में लग रहा है फोर फोर, लेकिन चतुर्भुज में हो जाता है दुगना त्रिभुज। तो इसमें दुगना कैसे होगा? तो सबसे पहले तो फोर को चार को दिखाई दे रहा है, अब उसके बाद आठ को त्रिभुज इसमें दिखाई देगा। तो इसको हम हटा दिए, इसको हटा दिए, तो ये हो गया कै गो, चार गो था, आए गो पाँच गो हो गया। अब इसको हटा देंगे, कै गो हो गया, छ गो हो गया। अब फिर अब छ गो हो गया, अब यहाँ से इसे हम फिर लाइन बना दिए, अब इसको हटा देंगे, ये हो गया सात गो, अब इसको हटा दिए, ये हो गया आठ गो।
अच्छा पूरा वीडियो में दिखा दिए हम लोग 8 गो त्रिभुज के बारे में 8 गो बना दिए। आइए ऑल कंपटीशन में पूछेगा, बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, चाहे कोई किसी भी कंपटीशन हो, आपको इस तरह के ऑब्जेक्टिव में दे देगा। आप लोग इस तरह से समझ करके अपना टिक लगाएगा, 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, 1, 2, 3, 4 करके इस तरह से रहेगा। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे कि अगला वीडियो आप लोग को दिखाई देगा।